मैंने इसका मीनिंग और assumptions आपको ऑलरेडी बता दी थी, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूसर जब आउटपुट बढ़ाना चाहता है, ठीक है, वो फिक्स्ड फैक्ट, उसके पास लेट अस से दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड. सपोज करो वो प्रोड्यूसर एक फार्मर है, ही इज रिलाइंग ऑन टू मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लैंड एंड अदर इज लेबर. शॉर्ट पीरियड में अगर वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है, शॉर्ट पीरियड में इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बाय मोर लैंड? नो. इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू हायर मोर लेबर? यस. सो हमें ये मालूम है आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट. आउटपुट बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन इनपुट दो तरह का है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल. तो फिक्स्ड को तो वो चेंज कर नहीं सकता, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डोज को बढ़ाएगा. जब वो ऐसा करेगा सेम फिक्स्ड फैक्टर के साथ लेबर की डोजेस को बढ़ाएगा तो उसकी आउटपुट बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट द आउटपुट विल इंक्रीज एट वेरिंग रेट्स. एट फर्स्ट इट विल इंक्रीज एट, then it will increase at, and then a time will come when total output will start falling. This is known as law of variable proportions. हर law के कुछ assumptions होती हैं, इसकी भी कुछ assumptions हैं. पहली assumption क्या करी थी, it is a short run production function. Then दूसरी, ratio between fixed and variable factor keeps on changing. Then all the units of variable factor are homogeneous. Homogeneous means they are equally efficient. ऐसा ना हो कि जो third worker आया है वो second से ज्यादा efficient है. अगर ऐसा होगा तो output obviously increase करेगी increasing rate पे. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या assumption ली, all units of variable factor are homogeneous, which implies they are equally efficient. Then last assumption, state of technology remains constant. Technology mein koi change nahi hai, ye hum assume karke chalenge. Theek hai? Now is the time to explain this law. We always explain any law with the help of schedule and curves. Theek hai? So let us explain this law firstly with the help of schedule and then with the help of curves. So write down explanation of law of VP, assumptions bete, pehle assumption they are applicable, it is applicable in the where there is fixed factor and one factor is variable. Then ratio between fixed and variable factor keeps on changing. Third, state of technology remains constant. Fourth, all units of variable factors are homogeneous or equally efficient. Got it? Okay. Now, explanation of the law. Pehle hum karenge with schedule. You have to write it down. Make use of pen, notebook. क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आई बेटे? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके लिए हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा. सपोज प्रोड्यूसर इज अ फार्मर, प्रोड्यूसर इज अ फार्मर producing wheat. The total product and TP and MP schedule. Following is the TP and MP schedule of the farmer.
सो बेटे वही बात, हमने सबसे पहले फिक्स फैक्टर ढूंढना है। फिक्स फैक्टर हमारा कौन सा है? लैंड है, ठीक है। तो लैंड विच इज अ फिक्स्ड फैक्टर, 1 acre लैंड है, 8 times लिखना है आपने। लेबर जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर है, 1 to 8 टोटल प्रोडक्ट जो कि हमारी वीट है और वो हम क्विंटल्स में उसके आउटपुट को मेजर कर रहे हैं। तो वही हमने डेटा बार बार नहीं लर्न करना है, वही डेटा जिससे हमने रिलेशनशिप देखी थी इसको भी लर्न करने का मैं एक इजी वे अभी आपको बता देती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट अगेन इन क्विंटल्स। तो बेटे जब भी हमने ये डेटा लिखना है, लिसन वेरी केयरफुली, हमने टीपी नहीं लर्न करना, नो नीड, हमने एमपी लर्न करना है। एमपी की वैल्यूज वेरी इजी टू लर्न, 2, 3, 4 फिर बैकवर्ड काउंटिंग करो, बुक करो, 3, 2, 1, 0, -1 कहां तक बैकवर्ड काउंटिंग करनी है? जहां तक ये लिखा हुआ है, 8 तक, ठीक है। तो एमपी लिखा हमने, लर्न कर लिया एमपी, कैसे लर्न किया? लर्न करो अभी, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, -1 दिस इज इजी टू लर्न और नॉट? हमने एक ही डेटा करना ना बेटे, सबकी सेम नहीं होती, जितनी भी आउटपुट होगी वो हमेशा पहले इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। हमने तो एक ही डेटा लेना है, तो सिंपलेस्ट यही है, ठीक है। ऑल राइट, अब आपने ये लर्न नहीं किया तो, लेकिन आपने कॉलम एमपी का पहले बना लिया, टीपी का ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि आपने लर्न क्या किया हुआ है? एमपी, ठीक है। अब एमपी लिख लिया, अब इससे टीपी निकालो। कैसे कैलकुलेट करेंगे टीपी? टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, तो 2 की जगह 2, 2 + 3 5 + 4 9 + 3 +3 + 2 +1 + 0 -1 ठीक है, गॉट इट? नाउ अब यहां पे नेक्स्ट कॉलम है स्टेजेस का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही स्टेट करता है कि जब शॉर्ट पीरियड में एक प्रोड्यूसर आउटपुट बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर की डोजेस बढ़ाता है अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर, आउटपुट चेंजेस एट वेरिंग रेट्स। एट फर्स्ट इट इंक्रीजेस एट, देन इट इंक्रीजेस एट, एंड देन इट स्टार्ट्स, दैट इज देयर आर 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन 3 स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज बेटे सिर्फ इधर देखो, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है? टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। इस स्टेज में क्या होगा? एमपी भी इंक्रीज करेगी। एमपी इसी से निकली है ना बेटे, तो एमपी विल इंक्रीज। फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब इसके बाद वो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब वो गिरनी शुरू हो जाएगी। जब वो गिरनी शुरू हो जाएगी तो सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में एमपी, स्टॉप इट बेटे, फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ती है और टीपी, अच्छा कम होती है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी आल्सो एंड बिकम्स मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड, ठीक है। अब बेटे हर स्टेज को एक नाम देना तो जरूरी है, हम उसको हर बारी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तो नहीं कहते रहेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर तो करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। अब
नाम किसके बेसिस पर करें? नाम हम इसका रखेंगे एमपी के बेसिस पर, एमपी के बेसिस पर। एमपी का क्या बिहेवियर है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसका नाम दे दो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सिर्फ रिटर्न्स भी लिख दो तो भी ठीक है। रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ऑल राइट, अब फर्स्ट स्टेज खत्म, तो ऑब्वियसली उसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई? सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट देखो कितना है, फिर कितना हो गया, फिर कितना हो गया, फिर यानी इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस इंक्रीज? पहले कितने यूनिट्स इंक्रीज हुआ? थ्री, फिर वन, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। नाउ सी द बिहेवियर ऑफ एमपी। थ्री टू वन जीरो, एमपी इज फॉलिंग। नाउ सेकेंड स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी बिकम्स जीरो, व्हेन एमपी बिकम्स जीरो। तो जीरो कब आएगा? जब हमने सेवंथ वर्कर इंप्लॉय किया। सेवंथ वर्कर तक हमारी कौन सी स्टेज चली? सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में टीपी का क्या बिहेवियर है? टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। और एमपी का क्या बिहेवियर है? स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बिकम्स जीरो। अभी मुश्किल लग रहा है, दो तीन बारी पढ़ेंगे सब। मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऐसा है, लाइफ टाइम तक नहीं भूलता। ठीक है, स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बिकम्स जीरो। अब फिर इसका नाम देना है। नाम किसके बेसिस पर दे रहे हैं? एमपी। एमपी का क्या बिहेवियर है? डिमिनिश हो रहा है, तो इसका नाम क्या कर देंगे? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये नहीं सोचना कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं तो यहां पे आउटपुट डिमिनिश हो रही है। आउटपुट नहीं डिमिनिश हो रही, क्या डिमिनिश हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही है, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो नाम रखा है स्टेज का वो एमपी के बेसिस पे रखा है। ठीक है, ओके। जब हमने एट वर्कर इंप्लॉय किया, टोटल आउटपुट बढ़ने की जगह कम होने लगी। हो सकता है ऐसे? टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ, सुना कभी? प्रवर्ब है इंग्लिश में, टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी ब्रॉथ। सूप, एक कुक आया, सूप में नमक डाल के चला गया बना के, दूसरा आया उसने और नमक डाल दिया, तीसरे को क्या पता दोनों ने नमक डाल दिया, उसने भी डाल दिया, सूप खराब। सेम हैपन्स वेन मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एम्प्लॉयड हेयर। टोटल आउटपुट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। टोटल आउटपुट का क्या बिहेवियर है बेटे? 15 थी, अब कितनी हो गई? तो क्या बिहेवियर है? टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स, व्हाट अबाउट एमपी? इट बिकम्स नेगेटिव। So let's name this stage now, stage of, ये क्या है? नहीं, MP diminish हो रही है, negative, तो नाम क्या देंगे? Stage of negative returns to a factor. लिख लिया,
यहाँ पे अब दो बातें याद रखनी है, एक फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड वेयर एमपी इज मैक्सिमम, ये तो हमें मैंने बता दिया, अगर कल को एग्जाम्स में एक डेटा आ जाए इससे डिफरेंट और आपको बोला जाए कि इसमें तीनों स्टेजेस डीमार्केट करो तो कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, सेकंड स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज जीरो। क्या बताया मैंने अभी? हाँ कैसे करेंगे बताइए, उठ जाओ खड़े होके बताओ। अच्छा मैंने ये बताया, सेकंड स्टेज खत्म, सिट डाउन, यू आर नॉट लिसनिंग, वेरी गुड, सिट डाउन। फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज, सेकंड स्टेज कम्स टू एन एंड व्हेन एमपी इज जीरो। सुयश वुड यू रिपीट इट, कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं सुना तो आप सुना दो उनको। जब क्या? ओके अब पता चल गया, सुयश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, ठीक है। तो जिनको नहीं मेरी समझ आई थी उनको सुयश की आगे होगी, गॉट इट, ऑल राइट। ये लिख लिया आपने इतना, अब इसके नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो? आएगा केस तो देखेंगे। स्टेज वन, स्टेज वन, और वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, ठीक है। स्टेज वन, इन दिस स्टेज, या ऐसे लिखो पहले, दिस स्टेज इज टिल थ्री यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंप्लॉयड, टिल थ्री यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंप्लॉयड। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी increases at increasing rate and MP increases and becomes maximum. MP increases and become maximum. Got it? Very simple. First stage में TP increasing rate पे बढ़ती है, MP increase होती है, और जब वो मैक्सिमम हो जाती है, फर्स्ट स्टेज कम्स टू एन एंड, दिस स्टेज इज नोन एज, राइट डाउन, दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। चले आगे, फिर लिखिए सेकेंड स्टेज, स्टेज टू, स्टेज टू, दिस स्टेज कंटिन्यूज टिल सेवन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंप्लॉयड। ऐसा नहीं है हमेशा सातवें के तक रहेगी, ये डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमने पहले डीमार्केशन की है उसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अलग डेटा में अलग अलग वर्कर्स पे एंड हो। दिस स्टेज एंड्स टिल या कंटिन्यूज टिल सेवन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंप्लॉयड। इन दिस स्टेज टीपी का क्या बिहेवियर होगा? बोलेंगे अपने आप, TP increases at diminishing rate. बिल्कुल ठीक है।
और एमपी का क्या बिहेवियर है? एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग एंड बिकम्स जीरो। ये लिखना जरूरी है बेटे, जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक हमारी सेकेंड स्टेज चलती रहेगी, ठीक है। दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। राइट, स्टेज थ्री। This stage starts when eighth unit of variable factor is employed. When eighth unit of variable factor is employed. In this stage, TP starts falling and MP becomes negative. TP starts falling and MP becomes negative. ठीक है, this is known as stage of diminishing returns to a factor. Sorry, negative stage of negative returns to factor. अब देखो हमारे पास अभी टाइम जितना है अब कर लेते हैं, हमने डायग्राम बनाना है। वैसे ये एक बारी मैं बनवा चुकी हूं डायग्राम टीपीएमपी का, है ना। अभी क्योंकि आप एक बारी स्केल के साथ बना चुके हो और एग्जाम्स में इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द डायग्राम विद स्केल। विद स्केल समझ रहे हो, स्केल से मेरा मतलब क्या है? हाँ, 1 2 3 लिख के, मतलब पॉइंट्स प्लॉट करके पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बिना पॉइंट्स के, बिना डेटा को देख के आपने प्लॉट बनाना है तो आपके माइंड में रिटेन्ड होना चाहिए ये कर्व की शेप क्या है, कैसे बनेगा। जैसे अभी तक आपको याद होगा कि डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, याद है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ना। इसी तरह से ये भी याद हो जाएगा। इसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप हमेशा ड्रॉ करते हुए यूज करोगे, ठीक है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। सो हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को के डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए बी। जिनके पास स्पेस कम है वो नए पेज पे बनाएंगे, अलग पेज पे नहीं बनाना। दोनों डायग्राम ऊपर नीचे बनाने। प्लॉट कर दो, यहां पर टीपी, यहां पर वेरिएबल फैक्टर, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट, यहां पर वेरिएबल फैक्टर। बिना स्केल के बना रहे हैं और इसमें हमने तीन स्टेजेस शो करनी है। तो मैंने क्या करना है, मैंने डायग्राम को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। वो तीनों पार्ट्स क्या बता रहे हैं, तीनों स्टेजेस। कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल डिवीजन हो, यू जस्ट हैव टू डीमार्केट। बाद में नहीं, पहले बनानी। डायग्राम इजी बनाना है ना, इसलिए पता तो बाद में चलती है लेकिन हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि आपका डायग्राम गलत ना हो। ओके, हमेशा ये ध्यान रखा करो बेटे, एक तो ये लाइन बाहर, मेरे से बाहर आ गई, मैंने रब कर दी, बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात, ये समृद्धि वगैरह आपने गलती की थी, आपने जब डायग्राम बनाया स्कैटर डायग्राम ये बनाया, दिस इज रॉन्ग। आइदर स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और अगर आपने ये कर भी दिया है तो इसको एंड्स को क्लोज कर दो, ठीक है।
बेटे ये लाइंस ड्रॉ कर ली। अब देखो ऊपर में हमने टीपी कर्व बनाना है, टीपी का बिहेवियर बताओ। इन फर्स्ट स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट, मतलब हम लेबर ज्यादा लगा रहे हैं तो टीपी बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। और किस रेट पे बढ़ रहा है तो कन्वेक्स होना चाहिए कि कनकेव? कॉन्वेक्स। जब ये कॉन्वेक्स होता है तो इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग एट। तो हम ऐसे करेंगे, एक कर्व बनाएंगे जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड भी है और कन्वेक्स भी, लाइक दिस। ऐसे बना के दिखा दिया, और क्या बताऊं उधर। ड्रॉ इट। नहीं समझ में आया? अगर आप इनको प्लॉट करोगे, इन पॉइंट्स को 2, 5, 9, 0 पे 0, 1 पे 2, 3 पे 5, सॉरी 2 पे 5, 3 पे 9, तो आपको ये ऐसा कर्व मिलेगा। सेकेंड स्टेज में इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब इंक्रीज हो रही है तो अपवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है तो कनकेव। कोई भी कॉमन सेंस है बेटे, पहले कन्वेक्स था इंक्रीजिंग पे, तो डिमिनिशिंग पे क्या होगा? उससे ऑपोजिट, कनकेव। तो उसको बना दो ऐसे। अपवर्ड स्लोपिंग बट द शेप शुड बी कनकेव। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी इन थर्ड स्टेज? स्टार्ट्स फॉलिंग, मतलब गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज योर टीपी कर्व। ओ कुछ भी नाम दे दो, जी एच, यहां पे लिख दो स्टेज वन, यहां पे लिख दो स्टेज टू, स्टेज थ्री। ठीक है, एमपी देखो, फर्स्ट स्टेज में एमपी का क्या बिहेवियर था? बस इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज यहां पे खत्म हो रही है ना, क्या बिहेवियर दिखाना है? इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि 2, 3, 4 इक्वल अमाउंट से बढ़ रही थी। सेकेंड स्टेज में एमपी का क्या बिहेवियर है? फॉल्स एंड बिकम्स जीरो। ये लाइन स्केल से भी लाइन बना सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट बननी है। बेटे ये क्या बनाया, ये है? समझ नहीं आई मेरे को। बेटे कर्व नहीं करना, स्ट्रेट ही बनानी है। और एमपी की वैल्यूज इतनी ज्यादा थोड़ी है, ऊपर तक ले गए और टीपी जितना एमपी बना दी है। थर्ड स्टेज में तो नीचे ले जाओ, कोई भी नाम दे दो आई के। यहां पे लिख दो एल, यहां पे लिख दो L1। बेटे क्योंकि हमने 1, 2, 3 नहीं ना लिखा, तो कितना वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट यूज की है, कोई एक नाम दे दिया।
एल वन गॉट इट। सो इसकी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, वो हम कल कर भी लेंगे, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।